नमस्कार मिस्टर किंग, फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अवस्थी, वरुण अवस्थी। तो खबर अंबानी फैमिली की है, पर मुकेश अंबानी की नहीं, अनंत अंबानी की। जी हाँ, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की। हाल ही में अनंत अंबानी मोदी की रैली में दिखे। बीजेपी के एक उम्मीदवार के समर्थन में अनंत अंबानी रैली में आए हुए थे। अब अनंत अंबानी है, कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी कहीं भी जाने की छूट है। पर बात यहां पे अनंत अंबानी की हो रही है, तो आपको एक बात बता देते हैं, अनंत अंबानी आगे चल के रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टनर हो सकते हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है, जो नेटवर्थ है, उसको आंका गया है 3.83 लाख करोड़ रुपए। अगर अभी अनंत अंबानी को इसमें से उनका हिस्सा मिल जाता है तो वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी उनको उनका शेयर मिलेगा तो वो भारत के 10 रईसों में शायद चौथे या पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे। मतलब अनंत अंबानी अगर अभी भी चाहे तो वो टॉप 10 रिचेस में इजीली 4th और 5th रैंक पा सकते हैं इंडिया में। तो इसलिए ये बात खास हो जाती है, जहां भी बात अंबानी की आती है बात खास हो जाती है, आम नहीं रहा करती। देखिए इसमें हमारी एक खास रिपोर्ट। उद्योगपति मुकेश अंबानी कुछ दिनों पहले दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के समर्थन में खुलकर सामने आए थे। अब शुक्रवार को उनके बेटे अनंत अंबानी को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में बैठे देखा गया था। पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए जमा हुए लोगों की कतार में अनंत अंबानी भी बैठे नजर आए। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पीएम मोदी की रैली में श्रोताओं के सबसे आगे वाली कतार में बैठे थे अनंत अंबानी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देश का समर्थन करने आए हैं। इससे पहले हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का समर्थन किया था। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 23 मई को वोटों की गिनती होगी और चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुकेश अंबानी का कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा को समर्थन ऐसे समय में आया है जब देश के सबसे अमीर उद्योगपति के भाई अनिल अंबानी पर राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में खुलेआम अनिल अंबानी पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवड़ा ने अपने ट्विटर पेज पर एक वीडियो को साझा किया जिसमें मुकेश अंबानी उनकी तारीफ करते दिखाई दिए। इस वीडियो में मुकेश अंबानी ने कहा कि मिलिंद देवड़ा साउथ मुंबई के लिए सबसे सही शख्स है। मिलिंद को बॉम्बे संसदीय सीट के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने की गहरी समझ है। तो उम्मीद तो यह है कि अनंत अंबानी अपने आप गए होंगे रैली में और बिना किसी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के गए होंगे, पर क्योंकि वो बिजनेसमैन है और टॉप क्लास बिजनेसमैन ऑफ इंडिया के बेटे हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी मौजूद हो। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अनंत अंबानी खुद गए थे या उन्हें कोई वहां लेके गया था। मैं हूं वरुण अवस्थी, बिस्तक देखने के लिए धन्यवाद।